हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन खानाबदोश। वीडियो के नीचे दिए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज की मेरी रेसिपी है इंस्टेंट रवा डोसा। रवा डोसा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए आपको प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, दाल चावल सोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फटाफट 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। कभी भी आपका मूड है तो आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक में इसे ट्राई कर सकते हैं। रवा डोसा बनाने के लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। कड़ी पत्ते कुछ लिए हैं, थोड़ा सा अदरक किसा हुआ लिया है, हरी मिर्च बारीक कटी और प्याज लिए हैं और हरा धनिया लिया है। रवा डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में बारीक सूजी ऐड करेंगे, चावल का आटा ऐड करेंगे, मैदा डालेंगे, कड़ी पत्ते को बारीक कट करके लिया है मैंने, हरा धनिया डालेंगे, ग्रेटेड जिंजर डालेंगे, प्याज कटा हुआ बारीक, हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही लिया है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स करेंगे। रवा डोसा में आपको बैटर बहुत पतला बनाना होता है क्योंकि सूजी को आप नॉर्मल डोसे के जैसे स्प्रेड नहीं कर सकते, सूजी वहीं पकना शुरू हो जाती है, तो गोल को हमें पोर करना होता है, इसलिए इस बैटर को हम बहुत ही पतला बनाएंगे, जिस तरह से बटर मिल्क होता है। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, इस तरह का बिल्कुल पतला गोल बनाकर 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे। 15 मिनट के बाद ये डोसा बनाने के लिए रेडी है। गरम तवा पर थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, पोंछ लेंगे। तवे को अच्छी तरह गरम करना है। इस पर धीरे धीरे करके बैटर पोर करेंगे। नॉर्मल डोसे जैसे इसे फैलाना नहीं है बल्कि इसे पोर करते जाना है, इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। ये इसकी टेक्निक है, इसे आपको फॉलो करना होगा। इस तरह से मैंने डोसे को स्प्रेड कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, लो फ्लेम पर इसे क्रिस्प होने तक पकने देंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे, आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है, इसे फ्लिप कर देते हैं। दूसरी तरफ इसे पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ही पतला है, या चाहें तो आप ऊपर से थोड़ा सा पका सकते हैं इसको। इसे फ्लिप कर दिया है, सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डोसे का टेक्सचर ये कितना क्रिस्पी बना है। इसे मैंने ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। इसी तरह से कुछ और डोसे बना लेते हैं। सेम प्रोसेस से तवे पर थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, पोंछ लेंगे, बैटर को थोड़ा सा मिला देंगे क्योंकि इसमें सूजी नीचे बैठ जाता है। जब भी आप डोसा बनाएं इसे एक बार मिलाएं ज़रूर। इसी तरह से मैंने एक और डोसा फैला दिया है। गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देंगे, इसे प्रॉपर नीचे की तरफ से सिकने देंगे। आप चाहें तो इस पर बटर या घी या फिर ऑयल जो भी यूज़ करना चाहें, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्रिस्पी हो जाए तो इसे
दूसरी तरफ से भी आप सेक सकते हैं। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। इसको अलग तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। इंस्टेंट रवा डोसा रेडी है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।